हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, बिग बॉस 13 और बिग बॉस 14 के दो कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो अब एक साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है राहुल वैद्य और रश्मि देसाई की। हम इन दोनों का करियर ग्राफ तो देख ही चुके हैं, जहाँ पर रश्मि देसाई काफी सक्सेसफुल एक्ट्रेस है, वहीं राहुल कृष्ण वैद्य काफी सक्सेसफुल सिंगर है। लेकिन अब वो एक मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी बन चुके हैं। उन्होंने अपना हाथ एक्टिंग और म्यूजिक में तो आजमा ही लिया है, लेकिन अब फुल फ्लेज वो अपनी एल्बम लेकर आना चाहते हैं। कल आपको बता दें कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। इन दोनों की एक लेटेस्ट फोटो सामने आई है, जहाँ पर इन दोनों ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है। रश्मि देसाई ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम में है, वहीं राहुल कृष्ण वैद्य भी ब्लैक कलर के कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि ये कुछ नया और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेल, राहुल कृष्ण वैद्य जब से बिग बॉस 14 के घर से लौट कर आए हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ सरप्राइजेस दे रहे हैं, और इस सरप्राइज में एक ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। फिलहाल तो आपको बता दें कि ये कोई म्यूजिक एल्बम नजर आ रहा है, जिसकी शूटिंग हो चुकी है, और राहुल कृष्ण वैद्य केप टाउन जा चुके हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए। खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में वो बाकी कंटेस्टेंट को भी मात देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में राहुल कृष्ण वैद्य को अप्रोच किया गया बिग बॉस 14 की सक्सेस के बाद। फिलहाल उन्होंने काफी सारे शो साइन कर लिए हैं, जैसे ही वो वापस आएंगे उसके बाद और धमाके होने वाले हैं। लेकिन रश्मि के फैंस के लिए ये काफी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि रश्मि देसाई बिग बॉस 14 के बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स को कर चुकी हैं। ऐसे में वो अपने डेली सोप्स को करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन अब वो राहुल कृष्ण वैद्य के साथ म्यूजिक एल्बम में नजर आने वाली है। अभी तो फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि ये म्यूजिक एल्बम ही है, लेकिन जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है तो ये एक म्यूजिक एल्बम ही लग रहा है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल तो वीडियो कैसी लगी है वो बता दीजिए। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।